प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। गोरखपुर पुलिस को चोरी की गाड़ियां बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। कुशीनगर व महाराजगंज जिले के रहने वाले तीन आरोपितों को गोरखपुर के क्राइम ब्रांच व गुलरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की दो कार व 8 बाइक बरामद की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा है। यह बदमाश चोरी की गाड़ियों को पेपर बनवा कर नेपाल व आसपास के जिलों में बेचने का काम करते थे। आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह खेल चल रहा था। एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गाड़ी चोरी कर उसे दूसरे जिले व नेपाल में बेचने वाले गिरोह के सदस्य कूट रचित दस्तावेज बनाकर यह काम कर रहे हैं और यह महाराजगंज और कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और गुलरिया थाने की पुलिस ने तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान महाराजगंज जिले की निचलौल के कृष्णा नगर कस्बा में स्थित पूर्वांचल कार बाजार के संचालक अफजल बढ़ई पुरवा निवासी मोहम्मद इमरान और कुशीनगर जिले के मंसूरगंज निवासी अरविंद पांडे के रूप में हुई है। आज गुलरिया थाने व प्रभारी स्वाट टीम द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके पास से दो फोर व्हीलर गाड़ियां और 8 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। इन गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम मोहम्मद इमरान, अरविंद पांडे व अफजल है। ये लोग गोरखपुर व आसपास के ज़िलों से गाड़ियां चोरी करते थे और उसका पेपर बनवा के और उसके बाद उसकी बिक्री करते थे। इसमें जो इमरान है वो मुख्य रूप से गाड़ी चोरी करता था। अरविंद पांडे और अफजल इसके पेपर बनवा कर इसको बेचने में इसका सहयोग करते थे। ये कहाँ बेचते थे? ये विभिन्न कार बाज़ार जो हैं उनमें मुख्य रूप से बेचते थे। इसमें एक अभियुक्त जो अरविंद पांडे है वो उसका एक कार बाज़ार से भी संपर्क है, तो वहाँ से ये लोग अपनी कारें बिकवाते हैं। ये कैसे रैकिंग करते थे और किस तरह से ये आपके पकड़ में आए और कैसे कितनी गाड़ियाँ अभी तक कहाँ से उठाते? ये अभी आसपास के जनपदों की टोटल मिलाकर के 8 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, 2 व्हीलर और 2 फोर व्हीलर। तो मुख्य रूप से नई गाड़ियाँ हीरो स्प्लेंडर प्लस और जो नए मॉडल की गाड़ियां हैं उन्हीं की चोरी करते थे जिससे कि उनकी आसानी से बिक्री हो जाए। अपराधिक इतिहास क्या है? अभी आपराधिक इतिहास इनका तलाश किया जा रहा है और बाकी जिलों से भी इसकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। सर, कितने पूछताछ से पता चल पाया है ये कितने का गैंग था या ये पेपर कैसे बनवाते थे, क्या कुछ? ये पेपर बनवाने में तो इसमें एक अभियुक्त जो है उसका विशेष रूप से योगदान है, अरविंद पांडे का। और जो अफजल है वो एक कार बाज़ार चलाता है, तो इस तरह से सभी मिलकर के और पूरी घटना को अंजाम देते थे। इसमें पूछताछ हो रही है और भी अगर लोग जो शामिल पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। कार बाज़ार बहुत पुराना है, काफ़ी दिनों से, तो क्या लग रहा है काफ़ी गाड़ियाँ कितनी चोरी हुई? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसे ज़रूर इस संभावना पर हम लोग और खोजबीन करेंगे। अगर पीछे भी ऐसा मिलेगा कि इन्होंने और भी घटनाएँ कारित की हैं तो उन पर भी कार्रवाई। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें मोहम्मद इमरान, अरविंद और अफजल हैं। बाकी शेष लोगों पे अभी पूछताछ जारी है, जो नाम और प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें कर्मचारी अभी ये तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकाश में आया है कि आरटीओ कर्मचारी लिप्त हैं या नहीं, लेकिन इसमें से एक अभियुक्त जो है वो पर्चे वगैरह कागजात बनवाने में आरटीओ ऑफिस से, हाँ निश्चित रूप से आरटीओ ऑफिस से ही बनवाते होंगे, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरटीओ ऑफिस की कोई संलिप्तता नहीं है। अगर होगी तो उसकी भी जांच पड़ताल की जाए। हाँ, इसकी भी जानकारी मिली है कि कुछ गाड़ियाँ नेपाल भी भेजते हैं। अब इसमें विस्तृत छानबीन की जा रही है, स्वाट टीम लगी हुई है। और इनसे पूछताछ में क्या कुछ पता चल पाया, ये कैसे रैकी करते थे या फिर इसके पीछे इनका मोटो क्या था, ये पढ़ने वाले लड़के हैं या फिर इनका किस तरह से, क्या कुछ?
नहीं, पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं, ये विशुद्ध रूप से अपराधी हैं और रेकी करके जहाँ सुरक्षित रूप से ये गाड़ियाँ उठा सकते हैं वहाँ से गाड़ियाँ उठाते थे और उसके कागजात बनवा के और इस तरह से बेचते थे कि जैसे कि ये लीगल गाड़ी हो। कह सकते थे कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके काम कर रहा है। जी निश्चित रूप से इसका नेटवर्क बड़ा है और बड़े कायदे से और दिमाग लगाकर। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।